अब बात सीट की सियासत की। आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। इस सुरक्षित सीट पर इस बार क्या माहौल है, कौन कौन मैदान में है, क्या है चुनावी समीकरण और जनता इस उपचुनाव को लेकर क्या सोचती है, देखिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट। तालों के लिए देश दुनिया में मशहूर है अलीगढ़। इस अलीगढ़ की एक विधानसभा सीट है खैर। खैर सीट इस बार किसकी किस्मत का ताला खोलेगी और किसकी किस्मत की चाबी अटक जाएगी, ये 13 नवंबर को तय होने वाला है। जी हाँ, किस्मत का ताला खोलने के लिए खैर विधानसभा सीट पर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। बीते दो बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अनूप वाल्मीकि प्रधान यहाँ से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार हाथरस लोकसभा सीट से उनके चुनाव जीतने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और खैर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। यूं तो यहां से समाजवादी पार्टी का खाता आज तक नहीं खुला, लेकिन जो दांव समाजवादी पार्टी ने इस बार चला है उसकी चर्चा खूब हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है, ये जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर खैर सीट पर इस बार दावेदार कौन कौन है। इस सीट पर कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बीजेपी ने पूर्व सांसद राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और कांग्रेस में रह चुकी चारू कैन को उम्मीदवार घोषित किया है। बीएसपी से पहल सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं आजाद समाज पार्टी से नितिन कुमार चौटेल और निर्दलीय के तौर पे भूपेंद्र कुमार धनगर और विपिन कुमार मैदान में है। भाजपा परिवार का एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे मैं अपना ये मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जाऊंगा। फाइट मैं किसी से नहीं मार रहा हूं, मैं अपना एक प्रयास कर रहा हूं। जनता अपना जनता जनार्दन आदेश देगी, जो देगी मैं उसको स्वीकार करूंगा। बरसात में खैर क्षेत्रवासियों के जाम ना लगे, वहां पर खैर में रोज और जट्टारी में रोज लगने वाले जामों से लोगों को राहत मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सड़कें बनवाना, विद्यालय बनवाना, जो स्वास्थ्य संबंधी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे को खैर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी धन मन से पूरी कोशिश से अपनी पार्टी के लिए पूरा प्रयास करूंगा। खैर की लड़ाई समझने के लिए यहां का जातीय समीकरण समझना भी बेहद जरूरी है। खैर में मतदाताओं की संख्या 4,04,000 के आसपास है। इनमें 1,25,000 के करीब जाट वोटर हैं, जो जीत और हार में बड़े फैक्टर माने जाते हैं। इसके अलावा 90,000 के करीब ब्राह्मण, दलित 50,000, मुस्लिम आबादी लगभग 40,000 और वैश्य लगभग 25,000 हैं। बाकी दूसरी जातियों के मिले जुले वोट हैं। समाजवादी पार्टी भले ही जाटलैंड कही जाने वाली खैर सीट पर आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई हो, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली चारू कैन को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने एक तीर से तीन निशाने साधने की कोशिश की है। चारू कैन महिला हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं और उनके पति जाट बिरादरी के हैं, यानी कि दलित, महिला और जाट तीनों कार्ड खेल करके समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का खेल खराब करने की कोशिश की है। चारू कैन 2022 में बीएसपी के टिकट पर खैर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहीं और इस बार जैसे ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ चारू कैन कांग्रेस में चली गई और जब कांग्रेस ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया तो अचानक वो समाजवादी पार्टी में आए और उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर प्रत्याशी बना दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी दिलेर परिवार की तीसरी पीढ़ी से सुरेंद्र जैन को टिकट दे करके अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो सुरेंद्र दिलेर को भाजपा का प्रत्याशी बनाया है तो इसका भाजपा को लाभ मिलना निश्चित ही है। और दूसरा यह है कि यहाँ पर जो खैर विधानसभा सीट है वो जाट और ब्राह्मण बाहुल सीट है, तो यहाँ पर पिछले 2-3 बार से जो देखा जा रहा है कि वो भाजपा भारी मतों से हमेशा जीतती आई है, इसलिए भाजपा का पक्ष मजबूत लग रहा है। दूसरा ये है कि सपा का यहाँ पर खैर में कोई परंपरागत वोट नहीं है, सिर्फ सपा मुस्लिम वोटों पर और पीडीए के उस पर चल रही है, तो सपा कितना पीडीए वाला कर सकती है ये मतलब वहाँ पर मतलब जब चुनाव में मतदान होगा या जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही पता लग सकेगा। खैर की जनता से जब हमने उनके मुद्दे पूछे तो जवाब कुछ इस तरह मिला।
फाइट शाहरुखैन और बीजेपी के बीच में रहेगी। शाहरुखैन मजबूत प्रत्याशी है सब में। अब तो सुरेंद्र दलेर जी यही वोट देंगे, कपड़े मोदी योगी के नेतृत्व में देश की तरक्की कर रहा हूँ। आगामी चुनाव उपचुनाव रहेगी, उपचुनाव में यहाँ की जनता बीजेपी को ही लाइक कर रही। हमारे खैर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, जबकि विधायक दो बार बीजेपी के रहे, क्योंकि आज की डेट में सांसद हाथरस हैं अनूप प्रधान। आगामी चुनाव में किसे देखना चाहेंगे? बीजेपी जाटों का गढ़ कही जाने वाली खैर सुरक्षित सीट पर इस बार बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपनी पहली जीत की आस में बैठी है। और बात करें बीएसपी की, तो 22 साल पहले बीएसपी सीट पर जीती थी और इस बार इतिहास को दोहराने की कोशिश में लगी है। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता को ही तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। अलीगढ़ से अपने सहयोगी मोहम्मद अदनान और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।